मीडिया ने दिखाया कि भाई ये वो बम ब्लास्ट के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट के बम ब्लास्ट में ही गाड़ी इस्तेमाल की थी, ऐसा था वैसा था, तो बहुत ज्यादा प्रेशर था एटीएस वालों के ऊपर। आज जो परवेज टाक जो अंदर है उसके बारे में बताया गया है कि ही वाज कनेक्टेड विद लश्करे तैयबा, हो सकता है, एंड ही गॉट इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन एंड योर वाइफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ रिपोर्ट था, वो ऐसा मीडिया में आया था। हाँ, तो मजबूर होकर एटीएस वालों ने मुझे बुलाया, जो पर ही है उनका, चंदन टॉकीज के पास, बराबर वहां पर मुझे बुलाया गया। मैं गया, बोला क्या बात है भाई, क्यों मुझे बुलाया? अरे बोले मीडिया का प्रेशर था इसलिए हमने आपको बुलाया। वैसे कुछ है ही नहीं, कोई नासिर इंस्पेक्टर नासिर है, उनको केयर कर करके कोई एटीएस के बड़े हैं, बोले बाकी ऐसा कुछ नहीं, हमने पूरी इंक्वायरी पूरी छानबीन की, कुछ नहीं, एटीएस से कोई मतलब ही नहीं, कोई बॉम्ब ब्लास्ट में कोई कुछ नहीं है। तो मैंने कुछ देर के बाद उससे बात की, मिस्टर नासिर से, निसार या नासिर कुछ नाम। ओके, तो मैंने कहा कि भाई यार पुलिस यहाँ की जो है काम क्यों नहीं करती, क्या वजह है? फिर एक लंदन का वाकया मैंने उनको बताया, तो मिस्टर नासिर या निसार जो है उन्होंने मुझसे कहा, शायद निसार होंगे, हाँ, कि बोले देखिए अभी मैं यहाँ पर बैठा, समझिए कि मैं पुलिस हूँ, मैं यहाँ पर बैठा, आप आया कंप्लेन लिखवाने के, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एकदम फ्री बैठा हूँ, लेकिन मैं आपसे क्या कहूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। बोले ऐसा क्यों? बोले ये अपने देश में ऐसा ही होता है, अपने देश में ऐसा ही होता है कि काम करना नहीं है, काम करो तो फिर कहाँ से मिलती है पैसा मिलता है। और मैंने देखा है काफी पुलिस स्टेशनों के अंदर कि जब कोई कंप्लेन लेकर आता है तो वहां के हवलदार और पुलिस ऑफिसर क्या बोलते, ए हट हट, ग्राहक आया और उनकी दुकान खुल जाती है। आज अगर कंप्लेन देना बंद हो जाए तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, अगर ऐसी रिपोर्ट मीडिया में थी और पुलिस ये भी मान रही है कि आप उसमें कोई कसूरवार नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है, तो पुलिस ने क्या उन खबरों का खंडन किया, करना चाहिए? किस खबर का? वही कि आपका जो बेटी है वो आतंकवादियों से मिली हुई थी या वो पाकिस्तान। तो मैंने आके मैंने बोला था, तो मैंने सारे बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया, रेशन कार्ड बताया, ये भाई ये बोर्न इन इंडिया मुंबई, और कोई आतंकवादी से हमारा लेना देना नहीं है, एटीएस वालों ने भी कहा कि कोई लेना देना नहीं, साफ आ गया कि तो ये बात मीडिया में आनी चाहिए ना, आई नहीं, लेकिन बाद में कहीं नहीं दिखाई दिया। मीडिया ने तो सब केस को खराब किया ना, कभी पहला हस्बैंड, दूसरा हस्बैंड, तीसरा हस्बैंड, पाकिस्तानी सैटेलाइट फोन कहाँ है जबकि मीडिया में दिखा रहे थे तभी तो वो लोग मर चुके थे। 9 फरवरी 2011 को मर गए, तो बाद में मीडिया बता रही कि वो दुबई भाग गए, जम्मू कश्मीर के रास्ते से भाग गए। हाँ, कुछ फरवरी में आई थी रिपोर्ट, मैंने भी पढ़ी थी मिड डे में, और फिर 2012 में दाऊद इब्राहिम के पार्टनर के साथ, बेटे के साथ में शादी कर ली लैला खान, ऐसा ऐसा सब बता रहे थे, जबकि वो मर गए थे वहां पर इगतपुरी में गड़े हुए थे। लैला खान को पाकिस्तानी हीरोइन बताया गया है तमाम खबरों में। हाँ, इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए ना, मीडिया को करनी चाहिए, और मीडिया को आके मुझसे माफी मांगनी चाहिए। बराबर भाई, वी आर सॉरी कि हमने आपकी बीवी बच्चों को गलत गलत बताया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी क्या क्या पॉइंट हैं जो आप लेटर लिख रहे हैं तमाम अथॉरिटीज को, उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं वो जरा हमको बताइए। पहले तो इसमें ये उसका स्टेटमेंट है आसिफ शेख का, ये दिया 11/7/2012, एक क्राइम ब्रांच को उसने स्टेटमेंट दिया था, ये क्राइम ब्रांच का स्टैंप लगा हुआ है, और क्राइम ब्रांच ने सेशन कोर्ट में चार्जशीट में डाला हुआ है, समझे? तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1987 में, ये मराठी में, तो मैं बता दूं कि 1987 में वो शेरीना से मिला था, तब शेरीना के चार बच्चे थे, इमरान जारा 1.5 साल के थे, ये उसका स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मैं नहीं कहता हूँ, जो चार्जशीट में लिखा हुआ है, और ये चार्जशीट सेशन कोर्ट में सीआईडी क्राइम ब्रांच ने डाला। अब 87 में 1.5 साल के थे इमरान और जारा, फिर 88 में शादी किया आसिफ ने, ऐसा उसके स्टेटमेंट में। अब 88 में शादी किया तो इमरान जारा की उम्र होगी 2.5 साल अकॉर्डिंग टू आसिफ शेख, बराबर, जबकि ये बर्थ सर्टिफिकेट है उसके
इमरान और जारा के बोर्न हुए 1989 में। ओके, बच्चे बोर्न हुए 1989 में। मैं देख लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ। ओके, देखिए 89 बोर्न है, नाम है इमरान, ये मदर्स नेम है और ये फादर्स नेम है नादिर शाह हुसैन पटेल, मुंबई। और प्रिंस, प्रिंस का भी दिखाइए दूसरे का। तारीख लिख दी। हाँ, और ये दूसरे का। और ये है जारा का, सेम डेट है, मदर फादर सेम। ठीक है जी, तो ये पूरा झूठ है आसिफ शेख का। ये कैसा हुआ, इसकी इंक्वायरी तो सीआईडी क्राइम ब्रांच ने की नहीं। इसका मतलब उसने एफिडेविट दे दिया, मान लिया उन्होंने, कोई इंक्वायरी नहीं की उन्होंने, कोई इंक्वायरी नहीं। ओके, तो इसको चैलेंज किया आपको? वो बापू की नोटें जो मिली थी ना, मिली मिली, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि इस वजह से ज्यादा इंक्वायरी नहीं की कि जाने दो ना, आपने को तो 3 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 4 करोड़ जो मिल गया। तो इसके एनकाउंटर में आपने कुछ आवाज उठाई? मैंने एडिट पिटीशन में डाला है ये सब। अच्छा, हाईकोर्ट में। तो अभी पता चला कि मेरे वकील को धमकी दे दी, मेरे वकील चले गए। ओके, अब तो मैं बिना वकील का हो गया। ओके, तो अब सेशन कोर्ट के अंदर मैं ये 22 तारीख को केस है, तारीख है, तो अच्छा। उसमें मैं ये एप्लीकेशन सब देने वाला हूँ। हाँ हाँ हाँ, कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ओके ओके, और क्यों क्राइम ब्रांच ने उसको छोड़ा, जबकि एफआईआर में आसिफ शेख का नाम। 22 जनवरी को सुना, ये 22 जनवरी का डेट है। अच्छा, सेशन कोर्ट में। तो ये सेशन कोर्ट में जो डेट होती है उसमें कौन कौन हाजिर होते हैं? कभी वो परवेज आता है, कभी नहीं आता है। जो दीपक फटान रहे तो अंदर है ना सर? वो अंदर है, उसको कभी लाते हैं, लाते नहीं, लाते हैं। कौन सी जेल में बंद है वो? अथर रोड। अथर रोड, हाँ। ओके, और फिर फटांगरे तो आता ही नहीं, दीपक फटांगरे जो पुलिस इंस्पेक्टर है सीआईडी क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 8, वो आते ही नहीं, वो नहीं आते। उनको वो खिलाता होगा, उसके जो राशन करके ज्योत्सना राशन, हाँ, वो आती है। अच्छा, एक हवलदार आता है, उज्ज्वल निकम प्रोसिक्यूटर, हाँ, कभी आते हैं कभी नहीं आते, अपनी मन मतलब केस को लटकाया जा रहा पूरा। हाँ, तो ये परवेश टाक का क्या इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में? परवेश टाक जो है वो उसने मर्डर किया है, और प्लानर जो है, जो प्लानिंग बनाया, सब प्लान बनाया, हाँ, वो आसिफ शेख। ओके, रियाज भाटी, एक खान है अफगान खान, फिर एक सोनू करकर है। वो सोनू ने तो जब उसको बुलाया गया था तो उसने मीडिया से भी झगड़ा किया था। अच्छा, मीडिया का कैमरे वैमरा को कुछ मारा कौन था? सोनू, सोनू करके कोई है, मैं तो नहीं जानता, मैं उस वक्त यहाँ था नहीं, ईस्ट अफ्रीका में था। इसी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बुलाया था, तो मीडिया ने बात करनी चाहिए तो मीडिया को कुछ थप्पड़ पर मार दिया था, कैमरा डैमेज किया था, ये बात भी मीडिया में आ चुकी है। ओके ओके, तो उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। तो ये जो आसिफ शेख है, जैसा कि मीडिया में अभी तक रिपोर्ट है कि वो सेकंड हस्बैंड ऑफ योर वाइफ, हां, तो इट वाज ट्रू? कैसे हो सकता है? कोई निकाहनामा नहीं है, कुछ नहीं है? जब निकाहनामा ही गलत बनाया गया, निकाहनामा गलत है, निकाहनामा है, लेकिन गलत है, लेकिन गलत है। ये निकाहनामा के अंदर है कि भाई ये इसमें उसकी उम्र दिखाई गई। ये निकाहनामा कहाँ का बना हुआ है? ये बिन्नी बाजार, जहाँ इनका निकाह हुआ, जहाँ मेरा निकाह हुआ। मतलब ये सरकारी है या मुल्ला के यहाँ? नहीं, मुल्ला के यहाँ, मुल्ला जी के यहाँ का। हाँ, तो ये तो इसकी कोई वैधता नहीं है, कोई बनवा सकता है इसको? हाँ, कोई भी, कोई पैसे दे के बनवा सकता है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, ये उसने बनवा दिया। तो यानी आपका कहना है कि आपकी जो सेलिना, जो आपकी पहली पत्नी है, उनका कोई दूसरा हस्बैंड आपके अलावा नहीं है? कोई नहीं, ये सब जो अफवाह है, जो अफवाह, टोटली अफवाह। और अगर परवेश बोलता है दूसरी शादी की है, तो परवेश का निकाहनामा क्यों चार्जशीट में नहीं डाला? चार्जशीट में सीआईडी क्राइम ब्रांच ने उसका निकाहनामा क्यों नहीं डाला? बराबर। और फिर ये है, तो मेरा तलाकनामा किधर? फिर आपका तलाकनामा भी नहीं है कहीं? बराबर। और आसिफ शेख के ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि भाई वो 4 बच्चे 87 में थे, तो 87 में 4 बच्चे अगर ट्विंस 87 में थे, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो झूठ बोल रहे हैं कि वो बोर्न इन 1989 में बोर्न हुए। तो कौन सच, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सच है या वो सच? बराबर। तो इसकी छानबीन पूरी होनी चाहिए।
तो अभी आपको क्या लगता है, ये जो आपके खिलाफ जो इतना साजिश की गई है, चाहे परवेज की तरफ से हो, आसिफ की तरफ से हो, या क्राइम ब्रांच और पुलिस की तरफ से हो, वो लोग क्यों साजिश कर रहे हैं? कितनी प्रॉपर्टी ऐसी है? प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं है कोई, फिर ये साजिश क्यों हो रही है? अब इनके लिए तो इतना काफी है ना, 8-10 करोड़। हाँ, अच्छा, 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उनके लिए काफी है। प्लस इसी स्टेटमेंट के एक अंदर तो प्रॉपर्टी है आपकी, है वो शिवराम का फ्लैट है, एक मीरा रोड में बंगलो जो है, फार्म हाउस वहां मीरा रोड में इगतपुरी बंगलो भी में, है और फार्म हाउस है और इगतपुरी ये में। साथ में ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई मंत्री जो है इन्वॉल्व हो। ऐसा आपको लगता है? हाँ, इसमें कोई मंत्री इन्वॉल्व हो और उसको बचाने के लिए हाँ, ये हो सकता है। ये खेल खेला जा रहा है कि मंत्री को बचा ले। ये कोई महाराष्ट्र का कोई बड़ा मंत्री है जिसको ये पुलिस बचा रहे, वरना पुलिस अंधी नहीं है कि 87 में मंत्री वो का बोल रहा है इन्वॉल्वमेंट ऐसा। इसमें किस लेवल पे आपको हो सकता है? दूसरी दूसरी एक मेन चीज की बात ये है हाँ, कि भाई ये समझने की बात है, 1988 में शादी की आसिफ ने, ऐसा उसके स्टेटमेंट में, 2008 में तलाक किया, तलाक हो गया ऐसा उसके स्टेटमेंट में, तो 20 साल रहा ऐसा उसके स्टेटमेंट में, वो शेरिना के साथ 20 साल रहा, और अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से, आसिफ शेख के स्टेटमेंट के हिसाब से, मेरी शादी जो हुई 1979 में और 87 में या 88 में, चलो मेरा तलाक हो गया ऐसा ही जो कि इसमें, तलाक आपका कभी हुआ ही तो नहीं। मैं 9 साल रहा उसके हिसाब से, मैं 9 साल एज ए हस्बैंड रहा, वो 20 साल रहा, फिर भी शरीना पटेल की और सब प्रॉपर्टी के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, हर जगह पे मेरा नाम क्यों है? बराबर 20 साल रहा तो उसका नाम आना चाहिए ना, मैं तो 9 साल रहा तो फिर मेरा नाम क्यों? ये इंक्वायरी नहीं की बराबर बराबर। कि हर चीज आज तक नहीं, 2015 तक मेरी बीवी का पासपोर्ट जो है, शरीना का पासपोर्ट 2015 तक के वैलिड है और उस पर मेरा नाम लिखा हो, बराबर बराबर। तो ये क्राइम ब्रांच ने नहीं देखा। अच्छा, ये जो दौरान जो ड्यूरेशन उसने बताया है 98 से लेके और 2008 तक का, इस दौरान आप कहाँ थे? आपकी पत्नी सेलिना के साथ में थे या पर कहाँ हमको थे? तो पता ही नहीं ना, वो तो मर जाने के बाद इसने ये स्टेटमेंट अभी अच्छा, दिया है, मर जाने के बाद दिया है, अभी 2012 में लेकिन दिया। वास्तव में आप कहाँ थे? मैं तो आता जाता था, कभी अफ्रीका में था कभी इधर था, तो आता जाता रहता था, तो मेरी बीवी आपने बच्चे भी मेरे पास आते जाते थे। तो आपके पास में इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है नहीं क्या कि आप और अपनी पत्नी के साथ में थे, मतलब इस दौरान जो 98 से? कई मरतब हम लोग साथ में अफ्रीका गए, हाँ, 2009 में वो खुद आई है अफ्रीका में, ये उसके पासपोर्ट से साफ ये भी पता एक चलता है। इंक्वायरी का सब टॉपिक हाँ? है। 2009 में वो खुद आई है अफ्रीका के अंदर, टंजानिया आके गई, तो ये सब पुलिस ने इंक्वायरी नहीं किया कुछ सर? कुछ नहीं, वो उनको वो दिखी हो हजार हजार वाली बंडल अटामरे को बराबर, और वो मैडम रासम को और ये संजय मोरे, ये तीन जन ने मिलकर ये सारा गेम खेला बराबर, और ये डील उनके अंदर हुई 3 करोड़ रुपए और 25% प्रॉपर्टी में हिस्सा, ऐसा डील हुआ है ये ऐसा, आपको ऐसा, पता ऐसा है? लोग बोलते हैं और ये मान सकते हैं ना, अभी ये सब देख रहे हैं तो दिल करता है हाँ यार ये जो लोग कहते हैं बराबर बराबर है, मानना चाहिए ये बात बराबर हो सकती है। चलिए ठीक है, तो यानी आप चाहते हैं कि इसमें इस केस की प्रॉपर इंक्वायरी हो द्वारा हाँ, प्रॉपर सीबीआई से, सीबीआई से हो ताकि सच का या सच एसआईटी अगर कर सकती है यहाँ पर, ये पता नहीं दिल्ली में तो एसआईटी है यहाँ है या नहीं पता नहीं, ओके तो वो किसी भी कमेटी से जांच करवाए। तो ये आप डिमांड किससे कर रहे हैं, लेटर लिख के आप डिमांड करने वाले? मैं जो सेशन कोर्ट में जज है उनसे आप डिमांड कर रहे हैं? उनसे अभी मैं एप्लीकेशन देने वाला हूँ, भाई आप इंक्वायरी ओके, कराओ, ओके ओके, और अगर फिर भी नहीं करवाते तो भाई मेरी एफआईआर मुझे वापस दे दो, मुझे केस ही नहीं करना, ड्रॉप साफ साफ सीधी बात, मुझे केस ही नहीं करना। अरे भाई इंसाफ दो तो फिर पूरा दो, नहीं देना तो फिर तो बदो ही मत, बराबर बराबर फिर दो ही मत। अच्छा, आप इस आपके केस के आपको आपकी जो प्ली है, क्योंकि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, हाँ, तो इसको आप कहाँ ही और भी लेकर गए जहाँ से आपको उम्मीद हो न्याय मिलने की? ये मैं लेकिन आपको अभी ये ब्रेक के बाद में अगले पार्ट में पूछता हूँ।